गाइज OnePlus Nord CE3 Lite को मैंने अच्छे से रिव्यू किया था। अच्छा फ़ोन था, लेकिन उस फोन में दो बहुत ही बड़ी कमियां थी जिसकी वजह से मैंने उसको कुछ खास रिकमेंड नहीं किया। पहला था उसका डिस्प्ले और दूसरा था उसका प्रोसेसर। लेकिन अब OnePlus इसी फोन का एक स्टैंडर्ड वेरिएंट बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिसको लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फोन के स्पेक्स देखकर तो लग रहा है कि ये फोन आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखो, ऑफिशियल कन्फर्म हो चुका है, 5 जुलाई को OnePlus अपने दो नए स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करेगा। एक होगा OnePlus Nord 3 और एक होगा OnePlus Nord CE3। ये जो Nord 3 है 35 से 40 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगा, तो प्रीमियम सेगमेंट का फोन होगा और उसकी बात हम किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। अभी हम बात करते हैं OnePlus Nord CE3 की, जो आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में डेफिनेटली इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे जो स्पेक्स है ना, वो भी काफी तगड़े हैं। अब बिल्ड और डिजाइन की अगर मैं बात करूँ तो फोन देखने में हूबहू OnePlus Nord CE3 Lite जैसा ही देखने को मिलेगा। प्लास्टिक बिल्ड के साथ में बॉक्सी डिजाइन होगा, वही कैमरा मॉड्यूल होगा, तो डिजाइन वाइज यहाँ पर कोई बड़ा चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जो चेंज होगा वो उसके डिस्प्ले के अंदर होगा। ये फोन आपको एक AMOLED डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलेगा, 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले 120Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले के अंदर 900 nits तक का ब्राइटनेस होगा, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, HDR10 का सपोर्ट और साथ में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। बाकी परफॉर्मेंस को लेकर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि ये डिवाइस स्नैपड्रैगन के 780 2G चिपसेट को पावर करता है, जो कि काफी पावरफुल 5G प्रोसेसर है। LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 का स्टोरेज है। अब ये जो प्रोसेसर है ना, आपको डे टू डे टास्क के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा, इवन आप अच्छी खासी गेमिंग भी इसके साथ में कर सकते हो। वैसे जब आएगा तो इसका अच्छे से टेस्ट भी करके देखेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 आपको मिलेगा, जो कि ऑक्सीजन OS 13 के ऊपर बेस होगा। 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑक्सीजन UI के साथ में डेफिनेटली काफी बढ़िया रहेगा। बात करें कैमरास को लेकर तो OnePlus Nord CE3 Lite जो था ना, वहां पर कैमरा ने आपको कहीं ना कहीं निराश किया था, लेकिन ये फोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि इस फोन का जो कैमरा हार्डवेयर है वो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। रियर साइड के अंदर आपको 50+8+2 मेगापिक्सल के जो सेंसर देखने को मिलेंगे। मेन सेंसर जो होगा 50 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, जो कि बताया जा रहा है कि सोनी का IMX890 हो सकता है। साथ में OIS का फीचर भी ये डिवाइस सपोर्ट करेगा। अब कैमरा हार्डवेयर तो अच्छा है, तो मुझे लगता है कि ये फोन आपको जो कैमरा परफॉर्मेंस है ना, वो तो काफी अच्छे निकाल के दे देगा। बाकी रियल लाइफ में कैसी परफॉर्मेंस है वो हम रिव्यू के अंदर वैसे भी टेस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि 80W की जो फास्ट चार्जिंग है वो इस डिवाइस के साथ में आने वाली है। 5 जुलाई को ये डिवाइस ऑफिशियल इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। बोला जा रहा है जो प्राइस पॉइंट है वो 25 से 30 हज़ार के बीच में फोर श्योर रहने वाला है, तो मैं तो इस डिवाइस के रिव्यू के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस डिवाइस को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, आपके अकॉर्डिंग इसके जो प्राइस पॉइंट है वो क्या रहना चाहिए। तो ये थे कुछ कंफर्म स्पेक्स OnePlus Nord CE3 Lite को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।